हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं हाई प्रोटीन वेज सैंडविच। बहुत आसानी से बन जाता है ये। और आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम क्यों हमने हाई प्रोटीन रखा है, क्योंकि इसमें पनीर के पीसेस के साथ साथ हम डिप यूज करने वाले पनीर का, यानी कि प्रोटीन का ही डिप बनाने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला काम हमारा है डिप बनाने का। तो हम प्रोटीन डिप बनाएंगे तो उसके लिए पनीर लेना है हमें 50 ग्राम्स के करीब, लहसुन की कली लेना है जिसे हमने चॉप कर लिया है, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक डाल लेंगे। एक स्पून हमें कर्ड लेना है, दही लेना है और हरा धनिया ले लेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाली हमारी डिप बिल्कुल रेडी है। इसे हम साइड में रखते हैं और हम एक बोल में लेंगे हंग कर्ड। अब हंग कर्ड क्या होता है, तो दही को क्या करना रहता है, 5 से 6 घंटे के लिए रुमाल में हम बांध के रख देते हैं और इस तरह से हंग कर्ड रेडी हो जाता है। वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज लिया है, आप चाहे तो कॉर्न भी ले सकते हैं। डिप डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर किया है और रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और पिज्जा सॉस डालेंगे। लास्ट में हम पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है, डिप प्रिपेयर है हमारी। तो बस अब इस मिक्सचर और डिप को हमें ब्रेड पर स्प्रेड करना है। तो उसके लिए हम एक ब्रेड लेंगे, डिप को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एक तरफ, एक साइड पे हमें क्या करना है, मिक्सचर को लगाना है और दोनों ब्रेड्स को हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर टोस्ट करेंगे। सिंपली आप इसे बिना बटर के भी टोस्ट कर सकते हैं अगर आपको विदाउट बटर खाना हो, बट मुझे तो बटर के साथ पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर यूज किया है। और आप चाहे तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी ब्रेड यूज करनी है। जैसे हमारी ब्रेड टोस्ट हो जाएगी, सैंडविच रेडी हो जाएगा, तो हम इसे गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। आपको ये सैंडविच बहुत टेस्टी लगने वाला है, तो ट्राई कर लीजिए जल्दी से और कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा। इसी तरह की नई वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमें इस आईडी पर इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।